जितने भी जब भी आपको मुक्का मारे, आपको परेशान करे जिंदगी, तब आप बोलना डट के हम झुकेगा नहीं। राजस्थान पुलिस में एडीजी दिनेश एमएन ने कहा, आप लोगों को देखकर आज मुझे मेरी 30 साल पहले की जवानी याद आ रही है। मुझे नहीं लगता कि कॉलेज टाइम में हमारे और आज के वक्त में कुछ ज्यादा बदलाव हुआ है। उस वक्त भी कॉलेज में म्यूजिक, मूवी, मस्ती, कुछ ड्रामेबाजी, कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ रिजेक्शन और अफेयर्स होते थे। उस वक्त डिजिटल नहीं था, हम लोग लड़कियों को ईमेल नहीं भेजते थे, सीधे जाकर बात करनी पड़ती थी। ये हिम्मत वाली बात होती थी, रिजेक्शन पर थप्पड़ खाकर वापस आ जाते थे। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 18वें घूमर फेस्टिव में पहुंचे आईपीएस दिनेश एमएन ने माहौल के अनुसार बात की। सामने युवाओं की भीड़, कैंपस का माहौल, ऐसे में दिनेश ने वो बातें कही जो कैंपस के हर युवा से मेल खाती है। इस दौरान उन्होंने पुष्पा फिल्म के स्टाइल में कहा, झुकेगा नहीं साला। आईपीएस दिनेश एमएन ने कहा कि आज का जमाना डिजिटल है, किसी लड़की से बात करनी है, इजहार करना है तो उसे आप लोग व्हाट्सएप भेज देते हो। लड़की अगर गुस्सा है तो व्हाट्सएप पर ही ब्लॉक कर देती या फिर आप ब्लॉक कर दो। हमारे टाइम में जो भी करना होता था सीधे जाकर करना होता था, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती थी। मेरी भी आप लोगों की तरफ लाइफ रही है। आज मैं आईपीएस बनकर भले ही एडीजी बन गया हूं, मुझे लगता है कि आज भी मैं आप लोगों के बीच ही बैठा हुआ हूं। इसके बाद मीडिया ने दिनेश एमएन से पूछा कि आपको किसने रिजेक्ट किया, तो उन्होंने कहा, ओपनली पूछोगे तो कैसे बताऊंगा। दिनेश एमएन ने कहा कि जिंदगी में काफी मुश्किलें आएंगी, उनसे डटकर मुकाबला करना होगा। हमारे पास जिंदगी में जितना भी वक्त है उसमें मस्त रहना है, जिंदगी के मजे लेना है, फेलियर से नहीं डरना है। फेलियर वो नहीं है जो एक बार फेल हो जाता है, फेलियर वो है जो अटेम्प्ट करना छोड़ देता है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पुष्पा, उसके डायलॉग को याद रखना, जिंदगी में जब भी आपको कोई मुक्का मारे या फिर परेशान करे, आप लोगों को डट कर बोलना झुकेगा नहीं साला। जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और जिंदगी के सारे सुख लेंगे। आईपीएस दिनेश एमएन ने आगे कहा कि आज के दौर में फिजिकल फिट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग रहने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए के घर बना रहे हैं। मुझे लगता है वह बेवकूफी है, हमारा पहला पता ही हमारा शरीर है, इसलिए उसे फिट रखना मजबूरी है। अगर आज आपने अपने शरीर को समय नहीं दिया, शरीर बाद में आपको समय नहीं देगा। कभी भी कोई स्ट्रेस या नेगेटिव फीलिंग है उसको दूर करने के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे बेहतरीन तरीका है। आप जिम, योगा, एक्सरसाइज और प्राणायाम करके खुद को नेगेटिव अप्रोच से दूर रख सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर हर तरह का कंटेंट उपलब्ध है। कुछ एंटरटेनमेंट चैनल्स पर क्राइम से जुड़ा कंटेंट भी है, ऐसे में लोग उसे देखेंगे तो सही, जो लोग उसे अपनाने की कोशिश करेंगे उन्हें हम जेल में डाल देंगे। दिनेश एमएन ने कहा कि राजस्थान पुलिस का हर सिपाही सिंघम है, असलियत में टीम सिंघम होती है, कोई एक अधिकारी सिंघम कभी नहीं हो सकता। अब तक जहां भी मैंने अच्छा काम किया है वहां मैंने अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम ने अच्छा काम किया है, मैं अकेला सिंघम नहीं हूं। आगे उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश में कोई कमी नहीं रखेगी, हमारी टीम पूरी ताकत के साथ अपराधियों के पीछे पड़ गई है। अभी रेंज लेवल पर अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है, वैसे हमारा रूटीन काम है, इसको हमने पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ आईजी के सुपरविजन में शुरू किया है। आईजी कंट्रोल रूम में बैठते हैं, जबकि सभी एसपी को फील्ड में निकलना होता है, इसके लिए हम प्लानिंग करके सप्ताह का एक दिन चुनते हैं, इसके बाद हम अपराधियों के पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें पकड़ कर ही दम लेते हैं। इससे पुलिस और सरकार की इच्छा शक्ति भी नजर आती है, जिसे हम भविष्य में और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सक्रिय अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है, ऐसे में जो भी युवा अपराधियों को फॉलो कर रहे हैं हम उन्हें हिरासत में लेकर उनकी काउंसलिंग करते हैं, ताकि उन्हें अपराध की काली दुनिया की हकीकत समझ में आ जाए। आज मैं भी युवाओं के बीच इसलिए आया हूं ताकि युवाओं को सही रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट कर सकूं।